ये चिट्ठी है नीतीश कुमार जी, आरके महाजन का 18-19 में कि मात्र 28% बच्चे ही बिहार के स्कूल में जाते हैं और 72% नहीं जाते हैं। ये चिट्ठी है। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे क्या हुआ उसकी जांच का, और वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है, और 100 करोड़ रुपया किसको दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, पर चुनावी दौर है, ऐसे में लगातार तमाम जो विपक्षी दल है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधते दिख रहे हैं। आज जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं और सरकार पर सीधा का सीधा हमला किया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। ये चिट्ठी है नीतीश कुमार जी, आरके महाजन का 18-19 में कि मात्र 28% बच्चे ही बिहार के स्कूल में जाते हैं और 72% नहीं जाते हैं। ये चिट्ठी है और ये एडवर्टाइजमेंट है आज के अखबार में 0.5% का। इससे बड़ा जुमलाबाद, इससे बड़ा दुनिया में खतरनाक झूठ ये मैं आपको दिखा रहा हूं और आपके हाथ में मैं दे चुका हूं कि झूठ के कितने बड़े ये लोग अमलदार हैं, ठेकेदार हैं, और चुनाव के समय कितने बड़े जुमलेबाजी करते हैं। ये दोनों चीज। दूसरा, नीतीश कुमार के चिट्ठी पर निर्देशक एनके सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, एलएन मिश्रा आर्थिक सामाजिक संस्थान, एमयूटी यूनिवर्सिटी पटना, निजी विद्यालय में 25% तक के अंतर अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रगति के सर्वेक्षण हेतु 100 करोड़ रुपया बच्चों की पढ़ाई पर नीतीश कुमार की सरकार निजी संस्था को देती है 100 करोड़। ये चिट्ठी है 100 करोड़। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे क्या हुआ उसकी जांच का, और वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है, और 100 करोड़ रुपया किसको दिया गया। पदाधिकारी ने सारी चीजों को दबा दी। एक भी जांच नहीं हुई। ये आप इसको देख लें। देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालय ओबीसी के आंकड़े, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये देखिए 269 में 9, 544 में 31 और 2178 में 1267, मतलब 96%, 94% और 41% अभी तक पद खाली है। ये मैंने आपके हाथ में दे दिया है। अब सवाल उठता है सीधा, आज तक 1% से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर है। नीतीश कुमार जी को चैलेंज करता हूं कि 72 घंटे के अंदर वो एक जांच सामने लाए। और मेरा मानना है इस बिहार में 9% भी गुणवत्ता वाला शिक्षा नहीं दिया गया 15 सालों के अंदर। पत्रांक 540 जो 5 अक्टूबर को हुआ था वो मैंने आपको दिखा दी। अब दूसरा, आपको मैंने एससी एसटी ओबीसी बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बारे में 100 करोड़ जो दिया खर्च करने का, उसको मैंने आपको दिखा दिया। तो आपने सुन लिया, पप्पू यादव
बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। कई दस्तावेज उन्होंने पेश किए जिसमें वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है और सरकार ये दावा करते नजर आ रही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से काफ़ी दुरुस्त हो चुकी है। पर सच्चाई जो है वो पप्पू यादव दस्तावेज के माध्यम से पेश करने की कोशिश कर रहे थे और ये बता रहे थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, सरकार सोई हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाएगी या दुरुस्त भी होगी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।